वीडियो इज कोस्पॉन्सर्ड बाय ग्लो लुक्स फॉरएवर हेयर वेविंग सेंटर नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ब्यूटी एंड हेयर स्टूडियो। भारत में 7 लाख ग्राहकों के साथ अपने कार्यकाल के 10 बेहतरीन साल बिताते हुए आज नागपुर में रेनॉल्ट ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। इस समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमांग पारेख सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए थे। इस समय पारेख ने कहा कि हम वर्षगांठ के मौके पर 2 नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, आगामी समय में भी कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। खुशी का माहौल है हमारे शोरूम में। आज हम लोगों को 10 साल पूरे हो गए रेनो के साथ में, डीलरशिप को भी 10 साल हुए हैं, रेनो कंपनी को भी 10 साल हुए हैं और हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो आज उनकी भी 10वीं वर्षगांठ है, यानी 10 साल उनको भी पूरे हो गए और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। रेनो में हमारी काफ़ी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। यस, क्या कहना चाहिए आगे, क्या देखो मैं कहूँ तो प्रोग्रेस बहुत हुआ है कि जैसे हम लोगों ने पहला महीना जो था उसमें 15 गाड़ी बेची थी और अभी हम महीने की 500 गाड़ी बेचते हैं। उन्नति मोटर्स ने काफ़ी रेनो के साथ में एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है। विदर्भ में हमारा पूरा प्रेजेंस है, मराठवाड़ा और खानदेश, तो ग्राहकों के लिए भी बहुत अच्छा है कि नागपुर से लेकर पुणे तक के कहीं में भी जाए उन्नति उनको मिलती है सर्विस देने के लिए। हाँ, कोविड इनिशियली हमारे को भी लगता था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा घातक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, मगर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रहा है। कोविड के बाद में भी डिमांड बहुत बड़ी है क्योंकि अभी कस्टमर को सेफ्टी होना है, कस्टमर को अपना खुद का वाहन चलाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पोस्ट कोविड कोई दिक्कत नहीं गई है और सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर हम बात करें तो हमारा नागपुर में पर्टिकुलरली विदर्भ में मार्केट शेयर भी अच्छा है, जो कंपनी का ऑल इंडिया 4% का मार्केट शेयर है उससे ज़्यादा हमारा विदर्भ मार्केट में कंपनी से भी ज़्यादा मार्केट शेयर हमारा है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है नागपुर ने और विदर्भ के हर जिलों ने। थैंक यू। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर का ओनर हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास आउट हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर अभी 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक बड़ा इवेंट रखा है। ये इवेंट में हमने जो जो जीएमसी नागपुर से पास आउट हुए हैं और उनमें से जो डीन बने हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनको हम एक साथ ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में और ये लाइव रहेगा 8 प्लेटफॉर्म्स में, यानी ये लाइव रहेगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, 3 चैनल्स में, 3 TV चैनल्स में और अलग अलग लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब ये इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा है, जहाँ जिसमें आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, एलुमिनी हैं और ऑडियंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये डीन्स को और इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको हम एक प्राइज़ भी देने वाले हैं और इसमें से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हर एक बैच से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा या जो फर्स्ट रजिस्टर करेगा तो उनके लिए भी प्राइजेस रखे हैं, ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन से। तो 2 अक्टूबर 7 o'clock आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक्स हम आपको शेयर करेंगे, आप वो लिंक क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, अभी रजिस्टर करिए और 2 अक्टूबर को हमारे साथ आप इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। जो ये 2 अक्टूबर को जो लाइव इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ, तो ये जो 2000 डॉक्टर्स हैं,
इनके लिए हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं और ये कॉम्पिटिशन में आपको एक क्वेश्चन पूछना अपने फेवरेट ड्रीम को। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने पॉलिटिशियंस को कैसे हैंडल किया, या आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने ऐसा कौन से चैलेंजेस आपने देखे। और जैसे बहुत सारे डीन्स हैं जिनको कोविड को फाइट करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं यदि थर्ड वेव आता है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो दोस्तों, आप रजिस्टर करिए और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके अपने फेवरेट डीन को पूछिए और ज़रूर 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आप ज्वाइन करिए। ये लाइव इवेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू।